सीबीएसई के और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करूँगा, चैप्टर नेम एटम्स। लेकिन एटम्स पढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला पहले अपने कॉपी में लिख लेना है। क्लोजेस्ट स्टेप लॉस आर नॉट 1/4πε02 ze² ½mv² जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इम्पैक्ट पैरामीटर बी 1/4πε0ze² cot थीटा ½mv² बोर मॉडल के एक इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π एंड अनदर व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल e-ef इज इक्वल टू hc/λ। फिर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट rn इज इक्वल टू ε0n²h² बाय e²πn rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n²। देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nn ऑर्बिट dn इज इक्वल टू e²/2πε0nh। n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देन एक और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्पेक्ट्रल लाइन की फार्मूला, 1/λ इज इक्वल टू r 1/nf² माइनस 1/ni², वेयर r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 × 10⁻⁷ m²⁻¹। एंड फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की न्यूमेरिकल्स आते हैं। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमेंस nf=1 ni=∞ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ nf=1 ni=2। अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन e=hc/λ, बट एज स्पीड ये सब आप डालने के बाद आपका जो इक्वेशन हो जाएगा 1243/λ। लैम ये जो डेटा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, इसका जो ये है मेगा वोल्ट इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1243/λ। लैम्डा को नैनोमीटर में लिखना है और आपको फोटोन की एनर्जी इसमें इलेक्ट्रो वोल्ट में आ जाएगी।